अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही जल्दी बनने वाली मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। वैसे तो लोग इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ आज। उसके लिए मैंने ये ऑयल लिया है, कढ़ाई में गर्म हो चुका है। ये ऑयल लिया है हमने 50 ml, यानी एक बड़ा चम्मच भर के। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, इसको हम चलाएंगे। हल्का सा फ्राई हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे तेज पत्ता, 1 तेज पत्ता डाल दिया हमने तोड़कर। ये थोड़े से दालचीनी के टुकड़े डालेंगे हम, छोटे छोटे 3-4। 4 लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें। चलाएंगे इसको हम, आंच हमारी स्लो है बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मटर। इसको हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये चावलों के साथ पकेंगी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने 2 कटोरी कच्ची बासमती चावल लिए हैं, तो हमने इसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया है नापकर। ये हमारे 300 ग्राम चावल थे। अब इसको पकाएंगे हम, फिर चावल डालेंगे इसमें। ये पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये 2 चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें। ये 2 हो गए। अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। आप देख सकते हैं ये कच्ची बासमती है, जो हम चावल डेली यूज करते हैं वही वाले चावल हैं ये। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको एक बार चला देंगे। अब हम इसको पानी खुशक होने तक पकाएंगे, फिर दम पर रखेंगे। इसको हमने ढक दिया है, इसको हमने थोड़ा सा खोल रखा है ताकि इसका पानी बाहर ना आए। आप देख सकते हैं इसका पानी खुशक हो चुका है। इसमें छेद बन गए हैं छोटे छोटे से, और इसको अब हम पूरा ढक देंगे, दम पर रखेंगे और आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसको हम दम पर रखकर पकाएंगे इसके चावल के गलने। ये लीजिए, तैयार है हमारी मटर पुलाव। इसको मैंने 5 मिनट पहले चूल्हे को बंद कर दिया था। 5 मिनट तक मैंने इसको दम पर रखा था चूल्हे के हल्की आंच पर। आप देख सकते हैं ये चावल कितने खिले खिले बने हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हर दाना इसका खिला खिला है, और ये बिल्कुल गल भी चुके हैं। मैं आपको इसका दाना दिखाती हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको सर्व करूंगी। बहुत ही मजेदार रेसिपी है ये, और ये उन लोगों के लिए भी है जो लहसुन और प्याज पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए, ये लीजिए तैयार है हमारी मटर पुलाव। आप भी हमारे तरीके से बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो, और हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।